सिद्धार्थ चौक इथं जलवाहिनीला गळती लागून हजारो लिटर पाणी वाया गेलं। नागरिकांनी याविषयी संताप व्यक्त केला। सोलापूर शहराला सध्या 4-5 दिवसाआड पाणी पुरवठा सुरू आहे। पाणी टंचाईमुळं नागरिक पुरते बेजार झालेत। हिवाळ्यात अशी गत असेल तर पुढे काय, असा प्रश्न शहरवासियांना पडला आहे। एकीकडे अशी परिस्थिती असताना दुसरीकडे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होत आहे। मंगळवारी सिद्धार्थ चौक इथल्या जलवाहिनीला गळती लागली, यामुळं पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय झाला। ही गळती जवळपास 2 तास सुरूच होती। अखेर पालिका कर्मचाऱ्यांना जाग आली। सुरू असलेली गळती थांबवण्यात आली। दरम्यानच्या काळात मोठ्या प्रमाणात पिण्याचं पाणी वाया गेलं। परिसरातील नागरिकांनी याविषयी संताप व्यक्त केला। इकडे MIM चे नगरसेवक गाजी जहागीरदार यांनी या गळतीबाबत अधिकारी वर्गाचा बेजबाबदारपणा कारणीभूत असल्याचं म्हटलं। आज सोलापूर शहर में आज लोगों की पानी की तकलीफ चालू है और महानगर पालिका कर्मचारी का हलगर्जी पानी से आज तुम पानी देख रहे हैं कि कितना वेस्टेज जा रहा है यहाँ पे। और ये जो अधिकारी बिन काम के फूट पगार खाने का काम चालू है, ये लोग काम नहीं करते हुए खाली अपने खुर्चा गर्म और पंखे के नीचे बैठ को ठंडी हवा खाने का काम कर रहे। सो है आज लोगों को पानी नहीं मिला, लोगों को पानी पीने के लिए आज रोड पर वेस्टेज पानी जा रहा है। ये अधिकारी को उनकी जगह तुम बताओ। इससे पहले भी मैं बोर्ड में बोला था, ये अधिकारी लोग कुछ काम के नहीं है, इन पर कार्रवाई करो जब इनको समझ में आएगा। मेरे को नहीं लगता कि महापौर मैडम से भी हमेशा महापौर मैडम को भी बोला ये अधिकारी पर कार्रवाई करो। आज लोगों की समस्या पानी की कैसी चल रही है, आज ये अधिकारी सोरेगा, देखो आज कम से कम कितना पानी जा रहा है वेस्टेज। जुने पुणे नाका इथं वॉशआउटच्या नावाखाली नुकताच इथला नाला पिण्याच्या पाण्यानं ओसंडून वाहिला। अशा प्रकाराबद्दल सोलापूरकर चिंता व्यक्त करतायत।